नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 के करंट अफेयर्स के 2 अप्रैल 2022 के सेशन में। दोस्तों देखिए, हम लोगों ने करंट अफेयर की एक जबरदस्त श्रृंखला की शुरुआत करी है और उसी के अंतर्गत हम लोग डेली जो है करंट अफेयर पढ़ते हैं। और हमारा काम ये होता है कि पहले कल का करंट अफेयर रिवाइज करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल, जितने लोग आप सभी देख रहे हैं, देखिए आप लोगों की डिमांड हमेशा ये आती है कि सर वैकेंसी कब आएगी। देखिए वैकेंसी किसी के हाथ में नहीं है, ना तो हमारे हाथ में है ना तो आपके हाथ में है, तो इससे फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यदि आपकी 150 में 140 नंबर की तैयारी हो गई है तो आप वैकेंसी का इंतजार करिए फिर। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है तो आप तैयारी पे फोकस करिए दोस्तों, वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल बिना हताश हुए, बिना निराश हुए, केवल अपनी तैयारी पर फोकस करिए, एक एक चीज रट डालिए ताकि जब वैकेंसी आए तो आपको सोचना ना पड़े कि क्या मैंने छोड़ा है और क्या पढ़ा है। और जहां तक आपका सवाल है कि करंट कहां तक पढ़ना है, तो अभी आप जनवरी 2022 से करंट पढ़ना शुरू कर दीजिए। उससे पीछे का जो मोटा मोटा करंट है वो आपको बता दिया जाएगा, समस्या नहीं होगी। और मंथली करंट अफेयर धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए अब कल का रिविजन एक बार देखते हैं। डफ एंड फिलिप्स रिपोर्ट में ब्रांड वैल्यू, सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू किसकी है, विराट कोहली की है पुरुषों में, और महिलाओं में किसकी है, आलिया भट्ट की है। वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन बनी है, तो रेणु सिंह बनी है, ये दूसरी महिला निदेशक होंगी वन अनुसंधान संस्थान की। और इसका जो है ये संस्थान है कहाँ पर, तो ये देहरादून में है, उत्तराखंड की राजधानी। फैजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में प्रथम स्थान किसे मिला, कोलंबिया को, और भारत को 8वां स्थान मिला है। दोस्तों यहां पर कल मैंने पैरा लिख दिया था, ठीक है, तो पैरा आप मत रखिएगा, ठीक है, ये पैरा एथलेटिक्स नहीं है, ये सामान्य एथलेटिक्स है, फैजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। आगे है विनय समरस्य योजना किसने चलाई है, तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने चलाई है और कर्नाटक के सीएम है बासवराज बोम्मई। अंतरराष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस ये 31 मार्च को। ब्यूटी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड यामी गौतम को मिला है, ठीक है, और आइकन अवार्ड जो मिला है वो किसे मिला है, फर्नीचर वाला को। अगला है डीएमआरसी के एमडी प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो विकास कुमार बनाए गए हैं। और बीबी गुरुंग जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन है, तो ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप सिक्किम जानते हैं, सिक्किम आपके बारे में आपको बताया गया, सिक्किम मतलब सिक्का, सिक्का ज्यादा है मतलब पैसा ज्यादा है, तो प्रति व्यक्ति आय में वर्तमान समय में सिक्किम शीर्ष राज्य है, ठीक है, दूसरे नंबर पर गोवा, तीसरे नंबर पर दिल्ली। बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास मैंने बताया था, बाली मतलब बलवान, तो बलवान कौन, अमेरिका, और कतन मतलब काटना, मतलब पीस पीस में काटना, तो फिलीपींस, मतलब अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हो रहा है, ठीक है। मिशन 100% विद्युतीकरण, तो इसके तहत किसने जो है अपना 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, तो कोंकण रेलवे ने पूरा कर लिया है। ये रहा आपका दोस्तों कल का रिविजन। और अब हम बात करते हैं कल के विशेष बिंदु पर, ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस। देखिए इस चार्ट के बाद यदि आपका जो है कंफ्यूजन दूर हो गया हो, तो एक बार यहीं पर वीडियो रोक करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आप लोगों का जो उत्तर आया था उसमें कई लोग कंफ्यूज थे, तो मुझे लगा कि अभी आप लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाया है, इसीलिए मैंने मेहनत करके ये चार्ट बनाया। तो दोस्तों बिल्कुल एक बार यहीं पर वीडियो रोक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कन्फर्म हुआ या नहीं हुआ। आप यहां पर आलस्य मत दिखाइएगा दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, अगर आप कंफ्यूज रहेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा कि आपका कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ, तो दोस्तों ये अच्छी बात नहीं होगी, तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए देखिए, विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस 2021 में सबसे प्रदूषित शहर कौन है, गाजियाबाद है यूपी का, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद फरीदाबाद। फरीदाबाद आप जानते हैं कौन सा मेला, ये भी लिखिएगा। और सबसे स्वच्छ शहर कौन है, श्रीनगर, विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस है ये। और विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दोस्तों विश्व का सबसे प्रदूषित शहर भी हमारे भारत का ही है, और वो कौन सा है, राजस्थान का भिवाड़ी शहर है, ठीक है, सबसे प्रदूषित वायु वाला शहर है। और गाजियाबाद जो है, गाजियाबाद दोस्तों दूसरे नंबर का है, ये भी ये यूपी का है, ठीक है। अगर राजधानी की बात करें तो दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी, दूसरे नंबर पर ढाका है। और देश की बात करें तो बांग्लादेश जो है, ये पहले नंबर पर है और चार्ट दूसरे नंबर पर। अब आइए यूएनईपी द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट की अगर हम बात करें, तो इसमें ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताया गया है। तो दुनिया का सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर है वो है ढाका,
दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित ध्वनि प्रदूषित शहर है, और ढाका वायु प्रदूषित में राजधानी में दूसरे नंबर पर है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए मुरादाबाद जो है ये दूसरा सबसे बड़ा ध्वनि प्रदूषित शहर है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये विश्व का दूसरा है, लेकिन भारत में तो पहला होगा, और ये यूपी का है तो यूपी में भी पहले नंबर पर होगा, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब दोस्तों आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। देखिए आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल का लिंक काम नहीं कर रहा है, आप वीडियो को पूरा देखा करिए, या तो आप वीडियो अच्छे से नहीं देखते हैं इसीलिए आप बार बार पूछते हैं कि टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, वीडियो को पूरा देखिए आपके समझ में स्वतः आ जाएगा। स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल, जीरो मत लीजिएगा, 2.0 ऑफिशियल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। चलिए आज का प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। वरुण 2022, मैंने आपको सैन्य अभ्यास बताए हैं जिसमें वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ध्यान से समझिएगा, नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच में हुआ है। देखिए यहां पर लिखा है नौसेना, तो जाहिर सी बात है कि यह अभ्यास किसका होगा, नौसेना का होगा, के बीच शुरू हुआ है। तो आप जानते हैं मैंने बताया था कि भारत तीनों सेनाओं के बीच फंस गया, फंस गया मतलब फ्रांस, तीनों सेनाओं मतलब जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तो शक्ति, गरुड़ और वरुण, ठीक है, तो ये फंस गया मतलब फ्रांस और भारत, और फ्रांस फंस गया, फ्रांस भारत और फ्रांस हो जाएगा, और तीनों शक्तियों मतलब शक्ति थल सेना, गरुड़ वायु सेना और वरुण नौसेना, ये तीनों अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं, और ये 2022 वरुण जो हो रहा है। देखिए गरुड़, गरुड़ आप जानते हैं एक पक्षी है और जो हवा में उड़ते हैं, तो गरुड़ वायुसेना हो गया, ठीक है। उसके बाद है शक्ति, शक्ति का प्रदर्शन आप यही स्थल पर करते हैं तो थल सेना हो गया। अब ये मत कहिएगा कि शक्ति का प्रदर्शन तो वायु में भी होता है, दोस्तों समझने के लिए मैं बता रहा हूं। और वरुण देखिए, वरुण नौसेना, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब की बार का आयोजन कहाँ हुआ, अरब सागर में हुआ है, और ये 20वां संस्करण है, ठीक है। अब चलिए कुछ जो है, अरब सागर देखिए यहां पर है, ठीक है, ये इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर है अरब सागर। चलिए यहां देखिए मित्र शक्ति, अब देखिए यहां शक्ति था तो आप कंफ्यूज होंगे, मित्र शक्ति तो मैंने बताया था मित्र की शक्ति से श्रीराम जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, तो मित्र शक्ति मतलब श्रीलंका और भारत। एक्वेरिन मैंने बताया था भारत और मालदीव, मालदीव का स्पोर्ट आइकन पुरस्कार सुरेश रैना को मिला है। धर्म गार्जियन भारत जापान, ठीक है, जापान जो है धर्म की रक्षा जूडो कराटे या इस तरीके से करता है, मैंने चित्र आपको दिखाया था। सूर्य किरण अभ्यास, सूर्य कहाँ उगते हैं, आपने चित्र बनाया है पहाड़ों के बीच, और पहाड़ कहाँ, हिमालय उधर देखिए नेपाल की तरफ। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया, देखिए इसी मंगोलिया के साथ ये खान क्वेस्ट करके भी सैन्य अभ्यास होता है, तो मैंने बताया था खान चंगेज खान कहाँ का था, मंगोलिया का था, ठीक है। दस्तलिक जो है भारत उज्बेकिस्तान के बीच में है, ठीक है, मैंने बताया था दोस्ती कर ली, ठीक है। और देखिए लेमितिये भारत और सेशेल्स के बीच में होता है, लेमितिये अभी हाल ही में आयोजित किया गया। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा बना है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि प्रथम स्थान किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है, तो इसको आप अलग से नोट जरूर कर लीजिएगा। और वर्ष कौन सा है 2021-22 के लिए, भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। अब यहां देखिए सब्जी की बात हुई तो साथ ही में फल की भी बात कर लेते हैं, तो फल उत्पादन में शीर्ष राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है, बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय जल प्रबंधन पुरस्कार या राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो दिया जाता है उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI स्थापना दिवस कब मनाया गया, दोस्तों RBI की स्थापना ही 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, तो 1 अप्रैल को इसकी स्थापना दिवस मनाया गया, और ये 87वां स्थापना दिवस है, आप जोड़ेंगे 35 में 87 तो 22 आएगा ही आएगा, ठीक है, तो 2022 याद रखिएगा। देखिए स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, मैंने बताया था कि भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, मुंबई को जाना जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से मुंबई को जाना जाता है, 7 टापुओं का शहर के नाम से मुंबई को जाना जाता है। इंडिया गेट दोस्तों कहाँ है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए वर्तमान में गवर्नर कौन है RBI के, शक्तिकांत दास है। प्रथम गवर्नर कौन थे जब RBI की स्थापना हुई थी, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और दोस्तों ये तो विदेशी है,
भारत के मतलब पहले भारतीय गवर्नर कौन बने? तो सीडी देशमुख बने हैं, याद रखिएगा। और इनकी गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, लेकिन किसकी सलाह पर? वित्त मंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, बिल्कुल ये आपके परीक्षा में आने वाले फैक्ट हैं, इनको आपको याद करके रखना है। चलिए, अभी हाल ही में आरबीआई ने एक हब की स्थापना की है बेंगलुरु में, उसको आप एक बार पीछे जाकर जरूर देखिएगा। चलिए, आलस से दोस्तों मत दिखाइए, आपको नौकरी करनी है। अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको एक एक मिनट और एक एक चीजें सर्च करनी है। जितना आप सर्च करेंगे उतना आपका ज्ञान अस्थाई होता चला जाएगा, क्योंकि पुनरावृत्ति कौशल जो है उसे अस्थाई कौशल कहा जाता है दोस्तों। तो पुनरावृत्ति जब आप करेंगे तो आपका ज्ञान अस्थाई होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईपीएल का 15वां संस्करण इस समय वर्तमान समय में चल रहा है दोस्तों। देखिए, तो कौन बने हैं? ड्वेन ब्रावो बने हैं। और ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो चेन्नई सुपर किंग्स के चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 171 विकेट लेकर के किसे पीछे कर दिया है? लसिथ मलिंगा के 170 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और इस समय ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं आईपीएल के पूरे इतिहास में। ठीक है, अब देखिए यहां पर बात करते हैं, ये आईपीएल का वर्तमान समय में 15वां संस्करण चल रहा है 2022 का। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है दोस्तों। शुरुआत जो हुई थी 2008 में हुई थी, मतलब 15 प्रथम संस्करण जो 2008 में हुआ था, आप जोड़ लीजिए 15, आप जोड़ेंगे तो 2008, 2007 के बाद 8वें में हुआ है, तो 15 जब जोड़ेंगे तो 7, 5, 12, 22, 2022 में आपका 15वां संस्करण चल रहा है। ठीक है दोस्तों, पिछले संस्करण का विजेता चेन्नई सुपर किंग्स रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए, ध्यान से समझिएगा, अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। फास्टर नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, और इसे किसने लॉन्च किया, यही तो इंपॉर्टेंट है। इसे लॉन्च किया है एन वी रमना, माननीय एन वी रमना जी। इस समय वर्तमान समय में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आपकी मुख्य नियुक्तियों में भी याद करने वाला तथ्य है। और ये किस नंबर के हैं? 48वें नंबर के हैं। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। फास्टर का फुल फॉर्म देख लीजिए, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो ध्यान से समझिएगा कि कितनी जल्दी से जो भी अदालती आदेश होंगे इसी पे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो जल्दी से लोगों तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये आप याद करके रखेंगे, फास्टर एन वी रमना मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण, ठीक है, पर्सनल लोन देने की योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहले राज्य वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कौन बना है दोस्तों? महाराष्ट्र बना है। ठीक है, अब देखिए, महाराष्ट्र बना तो है, इसी ने जेल पर्यटन भी शुरू किया है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुंबई ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी रखा है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखिए, 50,000 रुपए तक व्यक्तिगत ऋण ले सकते हैं जो भी वहां पे कैदी हैं। जेल में किए गए कामों के बदले ऋण दिया जा रहा है। ठीक है, जो कैदी जेल में सश्रम उनका जेल होता है, श्रम करते हैं जो, उसके बदले में ये ऋण दिया जा रहा है। और इसका उपयोग क्या करना है? वकील की फीस और अपने परिजनों की मदद करने के लिए इनको दिया जा रहा है। बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या क्या याद करना है आपको? महाराष्ट्र याद करना है और कितना ऋण दिया जा रहा है ये भी याद करना है। ठीक है, चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, उड़ीसा दिवस, उड़ीसा को ही उत्कल कहा जाता है। जब आप राष्ट्रगान पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। तो उत्कल उड़ीसा का द्योतक होता है। ठीक है, तो उड़ीसा को ही उत्कल कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को हुई थी। अब समझिए, 1 अप्रैल को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक जी हैं, मैंने पीछे एक क्लास में, ठीक है, गलती से ये चीज मैंने आपको यहाँ के सीएम के लिए बता दी थी, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। कई लोगों ने कहा कि सर गलत मत पढ़ाइए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, लेकिन दोस्तों गलतियां इंसानों से ही होती हैं। मैं आपको पूरे 3 घंटे का कंटेंट 15 से 20 मिनट में प्रोवाइड कराता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा तेजी रहती है। ठीक है, तो गलती इंसान से ही होती है, गलती ना हो तो इंसान भगवान हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो गलतियों का, देखिए, गलती करनी उतनी बड़ी जो है गलती नहीं है, गलती को सुधार ना करना वो सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो गलतियों का सुधार, जहां भी मुझसे गलती हुई है उसका सुधार अगले क्लास में जरूर किया गया है दोस्तों,
बिल्कुल आप एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए, और कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट पिन कर देता हूं, उसको भी जरूर देख लिया करें। चलिए अब देखिए, हेमानंद बिस्वाल कौन थे, इनका निधन हो गया, ये उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, ठीक है, तो ये निधन में आपको याद करना है। गवर्नर कौन है वर्तमान समय में, गणेशी लाल जी है। उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील, आपके भूगोल में ये पूछी जा सकती है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। अब अन्य स्थल की बात कर लें, सूर्य मंदिर कोणार्क में है, उड़ीसा में तो सूर्य मंदिर है दोस्तों, आप लोग याद कर लेते हैं, लेकिन आपको कोणार्क याद करना है क्योंकि कोणार्क पूछा गया है, आपसे पूछा गया था 69,000 की परीक्षा में कि जगन्नाथ मंदिर कहां पर है, तो दोस्तों वहां कोणार्क भी दिया था, पुरी भी दिया था, तो आपको क्या लगाना था, पुरी लगाना था, ठीक है। अब देखिए उड़ीसा के बारे में करंट कुछ है, उड़ीसा का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है, तो गंजम बना है, और इंद्रधनुष आप जानते हैं टीकाकरण से संबंधित है, उसमें उड़ीसा किस स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है। अगला है भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बिस्वास पटेल जी बने हैं, और ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां और हम देख लेते हैं, नियुक्तियों में आपको बताता रहता हूं, यहाँ पर दो नियुक्तियों के बारे में मैंने चर्चा की है। भारतीय बैडमिंटन संघ, अभी आपने सुना था, मैंने बताया था आप लोगों को कि अध्यक्ष के रूप में हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें चुना गया है, 4 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, और महासचिव कौन है, संजय मिश्रा जी है, ठीक है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके जो अध्यक्ष या निदेशक बनाए गए हैं वो टी राजा कुमार बनाए गए हैं, तो दोस्तों बिल्कुल याद करके चलिएगा। आगे चलिए, आज की पुस्तक है द टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नैयर, ठीक है, कैप्टन अनुज नैयर, देखिए ये अनुज लिखा, अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो के लेखक कौन है, तो मीना एन, ठीक है, मीना एन, ये पुस्तक जो है अनुज नैयर के बारे में है जिन्होंने कारगिल में युद्ध लड़ा है, तो टाइगर ऑफ द्रास अनुज नैयर। चलिए अब कुछ पुस्तकों के नाम, ये सारे बताए जा चुके हैं आपको, एक बार रिविजन हो जाएगा, इंडोमी टेबल अरुंधति भट्टाचार्य, इंडिया दैट इज भारत जे साई दीपक, बोस चंद्रचूड घोष, मैंने बताया था बोस घोष, अनफिल्ड बैरल्स, आपको एकदम ट्रिक अच्छे से याद हो गई होगी कि अनफिल्ड खाली है लेकिन ये कैसी हैं, रिच हैं, ठीक है, तो ऋचा मिश्रा, सोली सोराब जी, सोली सॉयल, सॉयल में आप बीज डालते हैं कोई तो अभिनव अंकुर निकलता है, सॉयल मतलब मिट्टी, ठीक है, तो आप समझ गए, अभिनव अंकुर मतलब अभिनव चंद्रचूड, और बहुत सारी किताबें मैं आपको बता चुका हूं और जो बीच बीच में रिविजन कराता भी रहता हूं, ठीक है। अब चलिए आज के रिवीजन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जितना भी हमने पीछे पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखिए आज के रिवीजन में है वरुण सैन्य अभ्यास 2022। अब दोस्तों देखिए इसको मैंने एक सारणीबद्ध तरीके से आपके लिए लिखा है तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। देखिए ये कैसा अभ्यास है, नौसेना अभ्यास, आपको मैंने बताया वरुण नौसेना, गरुड़ वायुसेना, और शक्ति जो है वो थलसेना अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच में है, तो भारत फ्रांस, और ये वाला कहां पर आयोजित हो रहा है वर्तमान समय में, अरब सागर में, जो भारत का ये वाला हिस्सा है अरब सागर यहां पर है, ठीक है। वर्ष 2021-22 में उत्पादन शीर्ष राज्य, देखिए उत्पादन में शीर्ष किस किस के उत्पादन में, फल उत्पादन में और सब्जी उत्पादन में, फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश और सब्जी उत्पादन में कौन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, हमारा अपना उत्तर प्रदेश। आरबीआई की स्थापना और उड़ीसा स्थापना दिवस दोनों एक ही है, 1 अप्रैल को, ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, ठीक, तो याद करके चलिएगा। आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, ड्वेन ब्रावो। फास्टर सॉफ्टवेयर ये क्यों है, अदालती आदेशों का शीघ्रता से प्रसार करने के लिए, और किसने लॉन्च किया है, तो सीजे चीफ जस्टिस एनवी रमना जी ने, ठीक है। अगला है कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण की सुविधा किसने दी है, महाराष्ट्र सरकार ने दी है, और कितना ऋण लिया जा सकता है, तो 50,000 रुपए का ऋण लिया जा सकता है। भारतीय भुगतान परिषद पीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं, बिस्वास पटेल बने हैं, तो ध्यान से समझिएगा, पीसीआई भुगतान करना, इस समय बैंकों में घोटाला आप देख ही रहे हैं, भुगतान किसी बैंक ने भुगतान कर दिया, नीरव मोदी और विजय माल्या लेकर भाग गए, ठीक है, तो उनके ऊपर विश्वास रह गया नहीं, लेकिन भारतीय भुगतान परिषद ने किसके ऊपर विश्वास दिखाया, बिस्वास पटेल के ऊपर, और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया, ठीक है, ये दूसरी बार बन गए। द टाइगर ऑफ द्रास के लेखक कौन है, तो द टाइगर ऑफ द्रास अरुण नैयर जी के बारे में है, कारगिल हीरो, किसने लिखा है, मीना एन, ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब चलिए आज के विशेष में हम देखते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, इससे 69,000 में एक प्रश्न पूछा गया था कि इसकी ऊंचाई कितने मीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितने मीटर है, 182 मीटर है, फीट में 597 फीट। चलिए
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये जो यूनिटी देखिए ये प्रतिमा आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये किसकी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनका इसका नाम क्यों रखा गया, तो दोस्तों आप समझिएगा, जब भारत आजाद हुआ तो जो देसी रियासतें थी उनके विलय के लिए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिन रात एक कर दिया और सभी देसी रियासतों को एक में मिला दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है भारत के एकता के सूत्रधार कहे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के प्रयासों से भारत आज एक संगठित देश बना है। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। अब दोस्तों ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, कहां पर स्थापित है, साधु बेट द्वीप नर्मदा जिला गुजरात में, कहां, गुजरात में नर्मदा जिले में, और वहीं पर साधु बेट द्वीप है, वहीं पर स्थापित किया गया है। अब देखिए कब स्थापित की गई दोस्तों, तो 31 अक्टूबर 2018 को, यह भी याद करना है। किसने इसका अनावरण किया, मोदी जी द्वारा अनावरण किया गया, और 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती होती है, इसे एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों, याद करके चलिएगा। शिल्पकार कौन है, मूर्ति के शिल्पकार कौन है दोस्तों, तो राम वी सुतार, कौन है, राम वी सुतार, ये याद करना है। निर्माण कंपनी कौन है, निर्माण करने वाली कंपनी कौन है, तो L&T मतलब लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, लागत कितनी आई है, 2400 करोड़ की लागत आई है। तो ये जो तथ्य हैं, ये सारे तथ्य आपको याद कर लेने हैं, आपकी परीक्षा ही तथ्यात्मक है दोस्तों, तो बिल्कुल इसको याद करके चलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कल के प्रश्न पर एक बार चर्चा करते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आपको बताया गया था, किसने जीता है, तमिलनाडु ने जीता है, बहुत अच्छे से आपको याद है। ठीक है, जब भी मैं आपको कोई प्रश्न दूं तो आप उसके चारों ऑप्शंस को देखिए और जिस ऑप्शंस की व्याख्या करने लायक हो आप उसका उसकी व्याख्या जरूर करिए। जैसे केरल है तो आप तुरंत बताइए कि मातृत्व मृत्यु अनुपात जो है सबसे कम है यहाँ पर। ठीक है, महाराष्ट्र की बात आई तो आप तुरंत बताइए कि पुणे मेडिसिटी, ठीक है, पुणे मेडिसिटी बनाई गई है पहली, और उसके बाद जो है मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य। कर्नाटक की बात आ गई तो कर्नाटक की राजधानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अब बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय भी है, आर्ट पार्क भी स्थापित किया गया, डिजिटल वाटर डेटा बैंक भी बनाया गया है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे आइए, एसोचैम के अध्यक्ष कौन बनाया गया, तो सुमंत सिन्हा। अब देखिए इसमें भी चारों ऑप्शन देखिए, जगदीश कुमार NCERT, रॉबर्ट अबेला माल्टा के प्रधानमंत्री, और जॉर्ज बेला वहां के राष्ट्रपति, राज सुब्रमण्यम ये फेडेक्स के CEO बनाए गए, एक बार इसको आप जरूर देख लीजिएगा, संभवतः मैं आपको सही बता रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं, तो आप इसको देखिएगा जरूर एक बार। ठीक है दोस्तों, आज का आपका प्रश्न है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरिएट 2022 किसे दिया गया। दोस्तों जो मैं ऑप्शन रखता हूं आप लोगों के लिए, मैं ऐसा ऑप्शन रखता हूं कि आपके चार क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए, तो आप चारों जो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं इन चारों ऑप्शंस का आप विवरण लिखा करिए कमेंट बॉक्स में, जितना लिखेंगे उतना याद होगा। अगला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार विजेता कौन है, तो जरूर आप लिखिएगा इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका सेशन, आज का सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक और एक शेयर जरूर बनता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।